न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्या, समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन, भरोसा पाकर लौटे फरियादी। गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने कहा, पॉलिथीन है पर्यावरण के लिए घातक, सभ्यता संस्कार संस्कृति से हो सकेगी महिलाओं की सुरक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस सप्ताह पर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, सदर सांसद व जिलाधिकारी ने किया वृक्षारोपण, गोरखपुर में 1 करोड़ वृक्ष लगाने का लिया गया संकल्प। प्रदेश के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया विकास कार्यों की समीक्षा, पॉलिथीन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाए जाने सहित अन्य बिंदुओं की गई समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की बैठक, 6 रोगियों को चिन्हित कर उसके इलाज के दिए निर्देश, कहा 2025 तक देश से भगाए 6 रोग। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी बने पंकज कुमार सिंह, किया कार्यभार ग्रहण, निवर्तमान मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संजय यादव को दी गई भावभीनी विदाई। सदर सांसद रवि किशन ने किया कौवाबाग रेलवे अंडरपास का निरीक्षण, जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने का दिया दिशा निर्देश। क्षय रोग नियंत्रण के लिए जागरूकता वैन को सीएमओ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, का घर घर खोजे जाएंगे टीबी के मरीज। अभियंताओं पर कार्य का अतिरिक्त बोझ डालने तथा हो रहे उत्पीड़न के विरोध में राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ ने काली पट्टी बांध कर जताया विरोध, 20 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। जानिए अल नीनो और ला नीनो किस तरह हमारे वातावरण पर असर करता है, सामान्य से कम बारिश की संभावना। और राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन की बैठक में हुई विभिन्न मुद्दों पर चर्चा, बनाई गई समाधान की रणनीति।